नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100। मैं हूं आपके साथ मुकुल प्रकाश। और इस बीच उत्तर प्रदेश के मीरगंज से बड़ी खबर आ रही है, रुख उसी का करेंगे। बेकाबू ट्रक ने छात्र को रौंद दिया है, जिसके चलते छात्र की मौके पर ही मौत हो गई है। दर्दनाक हादसा हुआ है मीरगंज में, बड़ी खबर आ रही है, जिसके बाद ट्रक चालक सूचना जब पुलिस को दी गई उसके बाद ट्रक चालक फरार हो गया, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने नेशनल हाईवे को पूरी तरह से जाम कर दिया। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मीरगंज से, जहां पर तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है। बेकाबू ट्रक ने छात्र को रौंद दिया है, जिसके चलते छात्र की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना स्थल पर पुलिस नहीं पहुंच पाई मौके पर, और यही वजह है कि गुस्साए परिजनों ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया है। गाड़ियां जाम हो गई हैं हाईवे पर, लेकिन सवाल बार बार यही उठ रहा है कि तेज रफ्तार के कहर को थामने में पुलिस और प्रशासन क्यों नाकाम साबित हो रहे हैं। साफ तौर पर इसे ट्रैफिक पुलिस की या फिर ट्रैफिक व्यवस्था की विफलता ही कहा जा सकता है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मीरगंज से हम आपको बता रहे हैं, बेकाबू ट्रक ने छात्र को रौंद दिया है, छात्र की मौके पर ही मौत हो गई है। ट्रक चालक फरार हो चुका है, जिसके बाद पुलिस की भी बड़ी लापरवाही इस बीच देखने को मिली है, क्योंकि सूचना देने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंच सकी, जिसके चलते गुस्साए परिजनों ने हाईवे को पूरी तरह से जाम कर दिया है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मीरगंज से आ रही है, बेकाबू ट्रक ने छात्र को रौंद दिया है, छात्र की मौके पर ही मौत हो गई है। जानकारी के साथ मीरगंज से हमारे संवाददाता आदर्श दिवाकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदर्श, किस वक्त की यह घटना है, कैसे हुआ हादसा, विस्तार से जानकारी दें। ऐसा है कि जैसे कि सुबह 5 बजे मॉर्निंग वॉक को जो रेस लगाने स्टूडेंट निकला था छात्र, तो क्या हुआ कि बेकाबू ट्रक ने रामपुर की साइड से जो आ रहा था बरेली की तरफ आ रहा था, उसने छात्र को रौंद दिया, जिसकी उसके लगभग ये आधा किलोमीटर उसे घसीटते हुए लेकर उसकी मौके पर मौत हो गई। और गुस्साए परिजनों ने लगभग 5:45 से ही जाम लगा दिया। उसके बाद से नेशनल हाईवे अभी तक लगातार 5 घंटे हो गए अभी तक बंद पड़ा है, जिसमें प्रशासन या किसी मंत्री संतोष गंगवार की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं आया है। आदर्श, क्योंकि ट्रक चालक वारदात को अंजाम देकर फरार हो चुका है, तो ऐसे में उसे पकड़ने के लिए पुलिस की तरफ से क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? जहाँ उसके साथ जो मृतक छात्र था उसके साथ और भी छात्र थे, लेकिन वहाँ उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जहाँ धनेटा फाटक पड़ती है वहाँ क्रॉसिंग पे 2 पुलिस वाले बैठे थे, उनकी मिली भगत से उन्होंने ट्रक चालक को वहाँ से भगा दिया पकड़ने की जगह। आदर्श, लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मीरगंज में तेज रफ्तार का कहर आए दिन देखने को मिल रहा है, क्या लगता है, क्या इसे ट्रैफिक व्यवस्था की विफलता कहा जाए या फिर पुलिस अधिकारियों की मूकदर्शकता? लगातार अगर ऐसा है कि जैसे कि अगर पुलिस पिकेट लगातार अगर रोडों पे रहे तो इतने हादसे अगर बहुत ही कम हो, लेकिन लगातार क्या है पुलिस की लापरवाही की वजह ज्यादातर हादसे हो रहे हैं। अगर आज ही वहाँ क्रॉस था क्रॉस पे अगर पुलिस सोचती कि हाँ ये बच्चे छात्र डेली दौड़ते हैं और वहाँ पर कुछ ना कुछ व्यवस्था की जाए कि वहाँ रोड क्रॉस करते हैं, तो आखिर ये हादसा नहीं होता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आदर्श दिवाकर तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं